Good morning, students. I'm Dr. Anita Prashant from BBD Government College, Manpura. हम आज बात करेंगे फिनॉल्स के बारे में एंड दिस इज पार्ट ऑफ बीएससी पार्ट टू केमिस्ट्री सेकेंड पेपर. सो फिनॉल्स जैसा हम जानते हैं कि वो कंपाउंड्स जिनके अंदर हाइड्रोक्सी ग्रुप डायरेक्टली बेंजीन रिंग के साथ में लगा हुआ होता है और फिनॉल्स हमेशा एरोमेटिक ही होंगे डेफिनेटली, क्योंकि ये OH डायरेक्टली इस बेंजीन रिंग के साथ में लगा हुआ है. और वो फिनॉल्स जिनके अंदर डेरिवेटिव्स हो सकते हैं, यानी बेस कंपाउंड तो ये है, और सब्स्टिट्यूएंट्स हो सकते हैं, तो दे विल ऑल फॉर्म अ फैमिली ऑफ फिनॉल्स. नॉमेनक्लेचर की बात करें, कॉमन सिस्टम के अंदर इनको हम डेरिवेटिव ऑफ फिनॉल्स मानते हैं, और जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको उनकी पोजीशन के साथ में डिपिक्ट कर देते हैं, मतलब उनकी पोजीशन दे देते हैं. से फॉर एग्जांपल, ये कंपाउंड है, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है. अगर मुझे से फिनॉल का डेरिवेटिव बताना है, मैं से बोलूंगी 2-methyl phenol, या ये होएगा 3-hydroxy phenol. तो कॉमन सिस्टम के अंदर हम डेरिवेटिव ऑफ फिनॉल मानते हुए सब्स्टिट्यूएंट्स को उनकी पोजीशन डिपिक्ट करते हुए लिखते हैं. IUPAC सिस्टम के अंदर भी सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल्स जो हैं उनको हम डेरिवेटिव ऑफ फिनॉल्स मानते हैं, वही पोजीशन लिखते हैं. पर बहुत सारे नाम जो कि ट्रिवियल सिस्टम के अंदर एक्सेप्टेड हैं, वो IUPAC सिस्टम के अंदर भी एक्सेप्टेड है. एग्जांपल्स देखते हैं. ये सिंपल मॉलिक्यूल फिनॉल, या हम कहें इसे बेंजीनॉल, कॉमनली एक्सेप्टेड नाम है इसका फिनॉल. 2-bromophenol, 3-aminophenol, 4-nitrophenol. तो ये सारे हमने पोजीशन दी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की और उसको डेरिवेटिव ऑफ फिनॉल की तरह डिपिक्ट किया. अगर फिनॉल के साथ में ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि इसकी टेबल में इससे ऊपर हैं, जैसे CHO या COOH या एस्टर ग्रुप है, तो OH को हम हाइड्रोक्सी की तरह प्रीफिक्स करते हैं और हम उसे सब्स्टिट्यूएंट मानते हैं. एग्जांपल्स लें, अगर एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है तो हम कहेंगे 2-hydroxybenzaldehyde, यानी बेंजाल्डिहाइड का डेरिवेटिव माना. इसका कॉमनली एक्सेप्टेड नाम है सेलिसिलाल्डिहाइड, क्योंकि दोनों ऑर्थो पोजीशन पे है, इसे हम ऑर्थो सेलिसिलाल्डिहाइड बोलते हैं. यहाँ 3-hydroxy बेंजोइक एसिड, डेरिवेटिव ऑफ बेंजोइक एसिड, या 3-hydroxyacetophenone, क्योंकि बेंजीन के ऊपर COCH3 का लिखा है तो वो एसिटोफिनोन है, तो हम नंबरिंग यहां से शुरू करेंगे और ये होगा 3-hydroxyacetophenone. और अगर एस्टर ग्रुप है तो हम देखें मिथाइल 3-hydroxybenzoate, यानी डेरिवेटिव हमने बेंजोएट का माना. फिनॉल्स जिनके अंदर अगर हम कहें डाइहाइड्रिक और ट्राइहाइड्रिक फिनॉल्स हो, तो उनको ट्रिवियल नेम से ज्यादातर जाना जाता है. एग्जांपल लें, अगर ऑर्थो पोजीशन के ऊपर 2 OH है तो हम इसे 1,2-dihydroxybenzene कह सकते हैं कॉमन नेमिंग सिस्टम में, बट कॉमनली इसका नाम लिया जाता है वो है कैटिकॉल. अगर ये OH मेटा पोजीशन के ऊपर है तो 1,3-dihydroxybenzene डेरिवेटिव या 3-hydroxyphenol, कॉमनली एक्सेप्टेड नाम है resorcinol. इसी तरीके से 1,4 पोजीशन के ऊपर OH है तो कॉमनली एक्सेप्टेड नाम है hydroquinol या quinol. ट्राइहाइड्रिक फिनॉल्स अगर देखें तो अगर OH ग्रुप्स 1,2,3 पोजीशन पे हैं तो हम कह सकते हैं 1,2,3-trihydroxybenzene, परंतु कॉमनली एक्सेप्टेड नाम है इसका पैरागिलॉल. 1,2,4-trihydroxybenzene डेरिवेटिव, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोक्सीक्विनॉल. और अगर 1,3,5-trihydroxyphenols डेरिवेटिव, या सॉरी 1,3,5-trihydroxybenzene डेरिवेटिव हम माले, जिसे हम कहेंगे फ्लोरोग्लुसिनॉल. और ये कॉमनली एक्सेप्टेड नाम है फिनॉल्स के. फिनॉल्स के स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग के बारे में बात करें,
एरोमेटिक सिस्टम के साथ में ऑक्सीजन लगा हुआ है फिनॉल्स के अंदर। हमें पता है बेंजीन के अंदर sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट होती है और इस ऑक्सीजन के ऊपर sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं। चार sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में से एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कार्बन के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ में मिलकर के एक सिग्मा बॉन्ड बनाता है, यानी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड फिनॉल के अंदर sp2 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के में से मिलता है और एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ में सिग्मा बॉन्ड बनाता है, जबकि दो sp3 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के अंदर दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जो फिनॉल्स के अंदर एंगल देखा गया, ये एंगल बॉन्ड एंगल जो है ये 109 डिग्रीज है और इसे हम कंपेयर करें अल्कोहल्स के अंदर तो अल्कोहल्स के अंदर ये बॉन्ड एंगल छोटा है, 108.5 डिग्रीज है। इवन बॉन्ड लेंथ भी अगर हम कंपेयर करें तो ये जो बॉन्ड लेंथ कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड लेंथ है ये फिनॉल के केस में कम है बनिस्पत एलिफेटिक या हम कहें अल्कोहल्स के केस में। या हमने मिथेनॉल का एग्जाम्पल लिया है तो मिथेनॉल के कंपेरिजन के अंदर ये बॉन्ड लेंथ भी फिनॉल्स के अंदर कम है। अब क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसकी नेचर इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर है, इसलिए यहाँ पर डायपोल मोमेंट देखा जाता है और डायपोल मोमेंट फिनॉल के अंदर 1.54 डिबाय है, जबकि उसके एलिफैटिक काउंटर पार्ट की बात करें हम मिथेनॉल के अंदर अगर हम डायपोल मोमेंट देखें तो 1.71 डिबाय है। तो डायपोल मोमेंट जो है वो फिनॉल के अंदर कम बनिस्पत अल्कोहल से है और इसका कारण ये है कि इसी की वजह से हम कहें कि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो है फिनॉल्स के केस के अंदर ये कंपैरेटिवली कम पोलर है और ये कम पोलर इसलिए है क्योंकि ये बेंजीन रिंग जो लगा है ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप का काम कर रहा है, जबकि यह मिथाइल ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का काम कर रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट बेंजीन की वजह से इसका जो कार्बन ऑक्सीजन की पोलैरिटी है वो भी कम होगी। अब ये फिनॉल्स भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाते हैं इसी डायपोलर नेचर की होने की वजह से ये हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाते हैं और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर हम देखें तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और इसी की वजह से अगर प्रॉपर्टीज देखें हम फिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट हम कंपेयर करें नॉर्मल हाइड्रोकार्बन से या हम कंपेयर करें हेलोएरीन से, तो क्योंकि इनके अंदर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है इसलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। सॉल्युबिलिटी, फिनॉल्स कायदे से एक OH ग्रुप है तो ज्यादा सॉल्युबल होने चाहिए, परंतु इस OH ग्रुप के साथ साथ एक एरोमेटिक बड़ी सी एरोमेटिक रिंग भी है और इस वजह से एज कंपेयर टू अल्कोहल्स दे आर लेस सॉल्युबल और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर ज्यादा सॉल्युबल होते हैं। फिनॉल वाटर सॉल्युबल है पर फिनॉल के जो डेरिवेटिव्स हैं वो स्पेरिंगली सॉल्युबल ही होते हैं वाटर के अंदर, दे आर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर सॉल्युबल होते हैं। जब फिनॉल्स के एसिडिक प्रॉपर्टी एसिडिक कैरेक्टर के बारे में बात करें तो ये वीकली एसिडिक है। अगर हम टेस्ट करते हैं तो ये ब्लू लिटमस को रेड चेंज कर देते, इतने एसिडिक होते हैं कि ये ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं, पर इनकी एसिडिटी इतनी ज्यादा नहीं होती कि ये कार्बोनेट्स को डिकम्पोज कर सके। यानी अगर मैं सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में फिनॉल की रिएक्शन कराऊंगी तो मुझे एफर्वेसेंस नहीं मिलती, जबकि एसिड के साथ में कराती हूँ तो एफर्वेसेंस मिलती है। तो ये इतने एसिडिक तो हैं कि ब्लू को रेड चेंज कर दें लिटमस पेपर को, लेकिन ये आसानी से कार्बोनेट्स को डिकम्पोज नहीं कर पाते। फिनॉल्स की अगर रिएक्शन हम अल्कली के साथ में कराते हैं, ये एसिड की तरह एक एक्ट कर रहा है, अगर बेस के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो फिनॉक्साइड आयन मिलता है, फिनॉक्साइड आयन मिलता है। ये रिएक्शन भी अल्कोहल के कंपैरिजन में डिफरेंट है, अगर अल्कोहल की रिएक्शन कराते हैं हम तो हमें ये प्रोडक्ट नहीं मिलता, ये फिनॉक्साइड आयन का बनना ही इसको उसको स्ट्रॉन्गर एसिड
मतलब ये स्ट्रॉन्गर एसिड है एज कम्पेयर टू एल्कोहल, लेकिन डेफिनेटली वीकर एसिड है एज कम्पेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अगर फिनोक्साइड आयन को हम बबल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में, तो हमें वापस से फिनॉल्स मिल जाते हैं, है ना। ये डिफरेंट रिएक्शन है एसिड्स के कंपैरिजन में। अगर हम फिनॉल की रिएक्शंस देखें, पहले उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखें, तो ये OH ग्रुप लगा हुआ है और ये OH ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। हम फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ चुके हैं कैसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और हमें कई सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिलेंगे जिसमें कि रिंग के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। और ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से ये जो OH बॉन्ड है ये वीक हो जाता है, और ये H जो है ये आसानी से रिलीज हो सकता है। यानी अगर बेस के साथ में रिएक्शन करें तो ये H एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और हमें मिलेगा फिनोक्साइड आयन। और फिनोक्साइड आयन का बनना इसलिए आसान हो जाता है क्योंकि ये फिनोक्साइड आयन भी स्ट्रॉन्गली रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। देखिए, हम इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं जहां पर नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज हो रहा है। इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को हम फिनॉल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से कंपेयर करें तो आप देखेंगे कि यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के अंदर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा ऑक्सीजन के ऊपर, जबकि यहाँ फिनोक्साइड के अंदर इस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। दैट मींस, या हम कहें कि इसके ऊपर चार्ज नहीं, पॉजिटिव तो बिल्कुल नहीं है, इसका मतलब फिनोक्साइड आयन इज बेटर स्टेबलाइज्ड एज कंपेयर टू फिनॉल। इसीलिए इसके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है कि एच प्लस को छोड़ दे, और इसी वजह से ये एसिडिक है। जबकि इसी को अपन अल्कोहल से कंपेयर करें तो अल्कोहल अगर एच प्लस रिलीज कर देता है तो हमें जो मॉलिक्यूल जो एल्कोक्साइड आयन मिलेगा वो लेस स्टेबल होएगा। वो लेस स्टेबल क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ रेजोनेंस संभव नहीं है, इसीलिए ये इस तरीके की रिएक्शन नहीं देगा। इस एसिडिटी के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट्स का फर्क पड़ता है। यानी हमने कहा कि नेगेटिव चार्ज यहाँ पर जनरेट हो जाता है, जितना आसानी से ये OH बॉन्ड टूट सकेगा उतना ही ज्यादा एसिडिक होंगे। तो वो सारे सब्स्टिट्यूएंट्स, अगर हम कहें कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट्स इस रिंग के ऊपर लगे हो, जैसे नाइट्रो ग्रुप हुआ, जैसे साइनो ग्रुप हुआ, जैसे कोई एक्स लगा हो या कार्बोक्सिलिक एसिड एल्डिहाइडिक ग्रुप लगा हो, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हैं। और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप यानी वो जो नेगेटिव चार्ज जनरेट हो रहा है उसको डिस्पर्स कर रहे हैं, यानी स्टेबलाइज कर रहे हैं, तो वो ये आसानी से होगी। जबकि अगर रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हैं, जैसे अमीनो ग्रुप हुआ, OR हुआ, मिथॉक्सियल इथॉक्सी ग्रुप हुआ या अल्काइल ग्रुप हुआ, ये सारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं, और अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं तो ये नेगेटिव चार्ज को बढ़ा देते हैं, और बढ़ाने की वजह से ये फिनोक्साइड आयन को डिस्टेबलाइज करेंगे एज कंपेयर टू फिनॉल, और एसिडिक स्ट्रेंथ घट जाएगी। और तीसरा इफेक्ट कि इफेक्ट इज मोर प्रोनाउंस्ड एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू OH ग्रुप देन एट मेटा पोजीशन। इसे हम कहें रेजोनेंस इफेक्ट से। अगर सपोज करें नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है, नाइट्रो ग्रुप के अंदर दो इफेक्ट्स हो सकते हैं, माइनस आई इफेक्ट और माइनस आर इफेक्ट, क्योंकि माइनस आर इफेक्ट से भी इलेक्ट्रॉन्स खींच रहा है और कार्बन नाइट्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, तो माइनस आई इफेक्ट भी है। तो नाइट्रोफिनॉल्स जो है वो सारे स्ट्रॉन्गर एसिड्स हैं एज कंपेयर टू फिनॉल। दोनों के अंदर से माइनस आई और माइनस आर इफेक्ट में से माइनस आर इफेक्ट जो है ज्यादा प्रोनाउंस्ड है, और ये तब ज्यादा प्रोनाउंस्ड है जब ये सब्स्टिट्यूएंट ऑर्थो या पैरा पोजीशन के ऊपर प्रेजेंट है रादर देन एट मेटा पोजीशन। क्या कारण? कारण ये कि जब हम ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर लगाते हैं नाइट्रो ग्रुप को, तो हम पांच रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं,
जबकि अगर हम मेटापोजिशन के ऊपर लगाते तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स खाली चार ही होते, यानी जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। इसका मतलब पैरा नाइट्रो मोस्ट एसिडिक होगा, फिर ऑर्थो नाइट्रो जिसके अंदर किलेशन भी हो सकती है, फिर मेटा नाइट्रो और फिर फिनॉल अगर एसिडिटी को कंपेयर करते हैं हम। और अगर जितने ज्यादा नाइट्रो ग्रुप होंगे उतनी ज्यादा एसिडिटी होगी, यानी 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल ज्यादा एसिडिक है, वनस्पत 2,4-डाइनाइट्रो और वनस्पत 4-नाइट्रो और 2-नाइट्रो फिनॉल डेरिवेटिव। देन इंडक्टिव इफेक्ट, अगर ऐसे ग्रुप्स लगे हों जो कि माइनस आई इफेक्ट दिखाते हों, एग्जाम्पल है हेलो फिनॉल्स का, तो हैलोजन के पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो प्लस आर इफेक्ट दिखा सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ कार्बन हैलोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, माइनस आई इफेक्ट भी दिखाते हैं। और माइनस आई इफेक्ट जो है वो ज्यादा होता है बनस्पत प्लस आर इफेक्ट के कंपेरिजन में। माइनस आई इफेक्ट जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाता है वैसे वैसे माइनस आई इफेक्ट घटता जाता है। तो इसीलिए जो एसिडिक स्ट्रेंथ है हेलोफिनॉल्स की वो इस ऑर्डर के अंदर डिक्रीज होती है, यानी ऑर्थो हेलो जो फिनॉल्स हैं सबसे ज्यादा एसिडिक होंगे, फिर मेटा हेलो और फिर पैरा हेलो डेरिवेटिव्स होंगे। अगर हैलोजन्स की बात करें तो ऑर्थो फ्लोरो फिनॉल्स जो हैं ये वीकेस्ट एसिड है। वीकेस्ट एसिड इसलिए हैं क्योंकि इनके अंदर स्ट्रॉन्ग इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और फ्लोरो लगा है तो स्ट्रॉन्ग इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। और जो दूसरे हेलोफिनोल्स हैं उनके अंदर माइनस आई इफेक्ट की वजह से ऑर्थो क्लोरो इज मोस्ट एसिडिक, देन ऑर्थो ब्रोमो, देन ऑर्थो आयोडो एंड देन ऑर्थो फ्लोरो। ऑर्थो फ्लोरो लीस्ट इसीलिए है क्योंकि वहां पर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। इन केस ऑफ क्रिसोल्स जहां पर कि अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, रिंग के ऊपर अल्काइल ग्रुप लगा है और ये अल्काइल ग्रुप जो है जिसकी वजह से दो इफेक्ट हो सकते हैं, एक हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट जिसे हम नो बॉन्ड रेजोनेंस कहते हैं और दूसरा प्लस आई इफेक्ट। ये दोनों ही इफेक्ट्स हो सकते हैं और जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो प्लस आई इफेक्ट होने की वजह से अगर हम इनका वो देखें, फिनोल्स आर मोस्ट एसिडिक, देन मेटाक्रिसोल, देन पैराक्रिसोल एंड देन ऑर्थोक्रिसोल, क्योंकि सबसे दूर वैसे पैराक्रिसोल होना चाहिए। पैरा इज मोर एसिडिक देन ऑर्थो, कारण उसका फील्ड इफेक्ट्स की वजह से है। अगर मिथाइल की जगह मिथॉक्सी ग्रुप और अमीनो ग्रुप लगे हुए हैं और ये दोनों मेटा पोजीशन के ऊपर लगे हुए हैं तो दे आर मोर एसिडिक देन फिनॉल ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट ऑफ मिथॉक्सी एंड अमीनो ग्रुप। अगर दोनों हाइड्रोक्सी ग्रुप लगे हैं तो रिसोसिनॉल इज मोर एसिडिक एज कंपेयर टू हाइड्रोक्विनोन एंड दैट इज मोर एसिडिक एज कंपेयर टू कैटिकॉल। दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।